بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد واله واصحابه اجمعين اما بعد عزيز ساتيو يا ري دوستو ابي عبي جمع جمعيه الدعوه والارشاد وتوعيه الجاليات البديع الرياض ك एजुकेशनल केंद्र असलम तफालिमनी के हिंदी भाषा के दूसरे लेवल में आप दाखिल हैं और इस वक्त जो सबक़ आपके सामने है उसको बोलते हैं फिख फ़िख़ जिसको आम बोलचाल में ये समझ लें मसले मसाइल और पूरे तौर पे खंगाल के छांट करके मसले को निकाल करके जो ने किताबें लिखी है उसको फिकह कहते हैं कुरान व हदीस से मसले को निकाला फिर उसको एकदम आम लोगों के लिए खोल खोल के बयान कर दिया उसको फ़िक आप बोल चाल की ज़बान में आसानी के लिए समझ सकते हैं ये फ़िक है इसमें आपके सामने मसले मसाइल बताए जाएंगे और इसमें एक सबक आप पहले देख चुके हैं सुन चुके हैं पढ़ चुके हैं उसमें कुछ मसल मसाइल आ चुके हैं अब जो है आज आजान और इकामत की बहस शुरू कर रहे हैं आजान और इकामत आजान की फजीलत आजान की फजीलत है क़ाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम في الحديث فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامه तर्जमा एक हदीस में अल्ला के रसूल ने फरमाया मौज़न की आवाज़ जहाँ तक जाती है उसे जो भी जिन और इंसान या कोई भी चीज़ सुनते हैं वो सब क़यामत के दिन मोज़िन के हक़ में गवाही देंगे या मौज़िन की आवाज़ जहाँ तक जाती है वो सब जो है क़यामत के दिन गवाही देंगे ये हदीस जो है इमाम बखारी ने रिवायत किया है अजान के अल्फाज अजान कैसे देंगे उसको यहाँ आप अजान के अल्फाज इसमें नहीं लिख सके हैं तो चूंकि ये आम है इसलिए छोड़ दिया गया लेकिन फिर भी एक बार आपको हम बता दें कि अजान में शुरू में चार बार अल्लाह अकबर कहा जाता है अल्लाकबरुकबर अकबर, उसके बाद दो बार अशदअल्ला कहते अरदल्ला अरदल उसके बाद दो बार अरद्न् महमदर रसोल्ला कहते अशद महमदर रसोल्ला अशद्न महमद रसोल्ला उसके बाद दो बार हैसल हैसल सला और दो बार हया आल फ़ला है्यायाल फ उसके बाद फिर दो बार अल्लाह अकबर है अल्लाकबर अकबर अल्लाह अकबर और सबसे आखिर में है एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह इस तरीक़े से अजान के अल्फाज जो है पंद्रह हो गए अजान के अल्फाज पंद्रह हो गए चाहे तो आप हिसाब कर सकते हैं शुरू में चार बार अल्लाह अकबर चार और दो बार अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह चार दो छः दो बार बारन् मुहम्मद रसूल तो दो आठ और दो बार हया सला और हया आल फला दो दो बार तो चार ये हो गए आठ चार बारह और उसके बाद दो बार अल्लाह अकबर तेरह चौदह और लाला ला, तो एक बार ये तो पंद्रह कलीम हो गए अजान क्या कलमा जो है पंद्रह है और फरमाते हैं मुलाजा फ़जर की अजान में हया आलफलाह के बाद असलात खैरु मिन्ना असलात खैरु मिनन्नौम बढ़ाएंगे बेहतर है कि मुआजिन की अज़ान का जवाब दिया जाए यानी जो लोग सुनें उसको चाहिए उनको चाहिए कि मुआजिन जो जो बोले वो सुनने वाले भी वही कलीमत को दोहराए मुआजन जब रुक जाए तो उसके बाद वो भी बोले जैसे मुजिन बोलता है अल्लाह अकबर अल्लाकबर तो सुनने वाला भी बोले अल्लाह अल्लाह अकबर 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 अल्लाह अल्लाकबर अकबर तो सुनने वाले भी यही बोले अल्लाह अकबर अल्लाकबर अकबर तो वही बोलते हैं कि मौजिन की अज़ान का जवाब दिया जाए और हया हया फलाह के जवाब में लाह कहेंगे यानी उसमें हया का जवाब भयाह से नहीं देंगे बल्कि उसमें बोलेंगे लाह क़ौत बिल्ल लाहौत बिल् बाकी वही है जो मज़िन जो कहता है वही अजान के अल्फाज सुनने वाला भी दोहराएगा ठीक है उसके बाद अजान के बाद की दुआ अज़ान के बाद की दुआ ये दुआ है जिसका तर्जमा है उसका अरबी आप सुन लें अल्लाह मरब दावतम आत महमद अनिल तबलफ़ील मकाम महमूदी ये दुआ है इसको मज़िन भी कहेगा आदान ख़त्म करने के बाद और सुनने वाले भी इसको दुआ को पढ़ेंगे जिसका तर्जमा है ए अल्लाह इस दावत कामिल और खड़ी होने वाली होने वाली नमाज के मालिक तो महम्मद सल्ला वसलम के वसीला और फजीलत का ख़ास दर्जा अता फ़रमा और उनको उस मकाम महमूद से नवाज़ जिसका तूने उनसे वादा फरमाया है ये हो गई अजान के बाद की दुआ उसका तर्जमा हजर जाबिर बिन अब्दुल्ल रज़ील्ह से रिवायत है कि रसोल्ला वम ने फरमाया जो शख्स अजान की आवाज़ सुनकर यह दुआ पढ़े <गाग> वो शख्स क्यामत के दिन मेरी सफात का मुस्तक होगा वो शख्स क़्यामत के दिन मेरी सफात का मुस्क़ होगा ये बुखारी की रिवायत है दूसरी रवायत हज़रतस रजील्ह से है कि रसोल सल्लासम फरमाया अजान और अकामत के दरमियान दुआ रद्द नहीं की जाती अजान और इकामत के दरमिया दुआ रद्द नहीं की जाती यानी ज़रूर कबूल होती है उसके बाद ये रवायत जो है अबू दाऊद और तिरमिजी यह हदीत अबू दाऊद और तिरमिजी की थी अब जो है इकामत का तरीक़ा इकामत कैसे कहते हैं उसका तरीक़ा आप में से हर एक को मालूम होना चाहिए वो है अकबर अल्लाकबर अल्लाकबर अल्लाह أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله يعني إسترا سة إقامة ك الكلمة 11 هجاتين أذان ك 15 إقامة ك 11 هجاتين إسمه شروء م 2 ب الله أكبر و اس إسقاط أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله تو يو هج 4 حيا على الصلاة حيا على الفلاح 6 कदका मतअसला कदका मतअस दो बार तो आठ अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर दस ला ला तो इक़ामत के जो अल्फाज हैं वो हैं ग्यारह है। तो इसको आप लोग याद रखें उसके बाद सुतरा का बयान सुतरा मतलब नमाजी के आगे आड़ के तौर पे जो कोई चीज़ रखी जाती है ताकि गुजरने वाले से नमाजी को डिस्टर्ब ना हो और नमाजी ख़तर नमाज में मुनहमिक रहे और गुज़रने वाले को भी मुश्किल न हो कहीं ज़रूरी काम से जाना ही है तो सुतरा है तो वो भी अपना नमाजी के आगे से गुज़र सकता है उसको सुतरा कहते जिसको अपने उर्दू हिंदी में आड़ कह हैं आड़ आड़ रुकावट वगैरह फरमाते हैं यानी वो चीज़ जो नमाजी के सामने रखी जाती है नंबर एक ये कोई भी चीज़ जो नमाजी के सामने खड़ी की जाए नंबर दो अफज़ल यह है कि उसकी ऊंचाई एक हाथ हो नंबर तीन इमाम का सुतरा मुक्तदी के सुतरा का भी काम देता है ठीक है अगर इमाम के सामने रख दिया सुतरा तो अब मुक्तदी के सामने रखने की ज़रूरत नहीं है बस इमाम का सुतरा सब के लिए काफ़ी हो जाता है मुलाहजा आ, नमाजी के सामने से गुजरना हराम है अगर ऐसी हालत में कोई सामने से गुज़रता है तो नमाजी पर वाजिब है कि उसे रोके कि अगर नमाजी के सामने से कोई रुका गुज़रता है तो उसको नमाजी नमाज के हालत ही में रोक सकता है उसकी पूरे एहतियात के साथ हाथ वगैरह के इशारे से जो है उसको रोक सकता है ज़ुबान से नहीं बोलेगा ज़ुबान से नहीं कुछ बोलेगा क्योंकि ज़ुबान से बोल देने में नमाज़ फासिल हो जाएगी तो अलबत् ये है कि इशारा कर दे या हाथ बढ़ा दे तो इस तरीके से जो है नमाजी सामने वाले सामने से गुजरने वाले को रोक भी सकता है उसके बाद सजद का बयान है सजद शब सैद का बयान यानी नमाज में कोई गलती हो गई उसकी डिटेल आपके सामने पीछे आ रही है बाद में आ रही है अभी आ रही है तो उसकी भरपाई के लिए जो सजदा करते हैं एकदम नमाज के आखिर में उसको सैद सफ़ कहते हैं उसको सैद सहफ करते हैं तो उसको उसके बारे में अभी आपको बताया जा रहा है फरमाते हैं नमाज में जो खलल वाक़ होता है उनको पुर करने के लिए दो सजदे किए जाएँ वो खलल जैसे कि नमाज में ज़ाती कमी या शक का वाक़ हो जाना यानी नमाज़ में कुछ ज़्यादती हो गई कोई रुकन बढ़ा दिए या कुछ कम कर दिए या किसी में शक हो गया तो उसकी दूर करने के लिए जो है सैद साहब किया जाता है वो आखिर में दो सजदे होते हैं सैद साहब की का तरीका सैद साहब सैद शह का सैद शह का सिफ़त यानि तरीक़ा सर सौ का तरीक़ा क्या हैब्बिल्लाबिन रज़ी रसूल सौल रजुल तर्जमा हजरत अब्दुल्लह बिन मसर रजी से रवायत है कि रसोल्हलम फ़रमाया जब नमाज़ में आदमी ज़्यादती या कमी कर दे तो उसे चाहिए कि वो दो सजदे करे उसे चाहिए वो दो सजदे करे ये माम मुस्लिम की रिवायत है नोट सद सब सजदे के दो सजदे सलाम फेरने से पहले या सलाम फेरने के बाद किए जाते हैं यानी दोनों तरीका है सलाम फेरने से पहले सजदे कर लें या सलाम फेर करके सजदे करें इस बारे में कुछ तफसील भी है कि कब सलाम फेरने से पहले है सला, कब सलाम के बाद है वो इन आगे आपको पता चलेगा या इस बारे में आप अपने तौर उलमा से मालूम कर लें इसके बाद सैद सह का मशरू सद सह कब करना मशरू है यानी सद सह कब करेंगे बताते हैं एक जब आदमी भूल कर नमाज में जाती कर दे भूल कर नमाज में जाती कर दे मिसाल दे रहे हैं आदमी जहर की नमाज़ पढ़ रहा था भूल कर पाँचवीं रकात के लिए खड़ा हो गया लेकिन फ़ौर उसे याद आ गया तो वो अब बैठ जाए और तशहद अख़िर यानी अतहियात के बाद दरुज शरीफ और कुछ दुआ पढ़े फिर दो सैद सह करे और सलाम फेर दे ठीक है वाजे है आदमी नमाज जहर पढ़ रहा था भूल कर पाँचवीं रकत के लिए खड़ा हो गया लेकिन फ़ौर उसे याद आ गया तो अब वह बैठ जाए और तशहद यानी अतियात के बाद दरुज शरीफ और कुछ दुआ पढ़े फिर दो सद सब करे और सलाम फेर दे मुलाहजा, यानी नोट अगर आदमी को नमाज खत्म होने के बाद याद आए और सलाम फेरने के बाद लंबा फासला न गुजरा हो तो उसे चाहिए कि वो दो सब करे और फिर सलाम फेर दे यानी ये बता रहे हैं कि आदमी नमाज सलाम फेर दिया तब याद आया उसको फरमाते हैं कि अगर आदमी को नमाज खत्म होने के बाद याद आए और सलाम फेरने के बाद लंबा फासला न गुज़रा हो तो उसे चाहिए कि वो दो सैदे सब करे और फिर सलाम फेर दे यानी ज़्यादा टाइम ना गुज़रा हो फौर याद आ गया तो उसको चाहिए कि दो सैदे करे फिर से और सलाम फेर दे ये उसके लिए है जिसको थोड़ी जल्दी याद आ गया मतलब उसी हालत तो में बैठा हुआ है कि याद आ गया या ऐसा नहीं कि अब उठ के दूसरी नमाज पढ़ लिए और अब याद आया तो उसकी बात नहीं है ठीक है उसके बाद नंबर दो अगर भूल कर रुक छोड़ बैठा तो उस पर वाजिब है कि वो फिर से लौटे और उस रुकन को अदा करे अगर भूल कर रुक छोड़ बैठा तो उस पर वाजिब है कि वो फिर से लौटे और उस रुकन को अदा करे जो ऊपर मैंने एक जगह रुकने का लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो गलत हो गया क्योंकि रुकने का हुक्म यह है कि रुकन अगर छोड़ बैठा तो उस वाजिबे के फिर से लौटे और उस रुकन को अदा करे अगर रुकन छोड़ दिया है तो वो रुकन फिर से कर ले जैसे वो मसल रुकू छोड़ दिया था तो वो रुकू फिर से कर ले मिसाल के तौर पे जैसे एक आदमी नमाज झुहर अदा कर रहा था वो तशहद आखिर के लिए बैठ गया लेकिन उसे याद आया कि वो तो अभी तीन ही रकत पढ़ा है तो ऐसी हालत में उस पर वाजिब है कि वो चौथी रकत के लिए खड़ा हो और इस तरह नमाज मुकम्मल करे और तशुद आखिर पढ़े और सलाम फेर दे उसके बाद सैद साहब कर ले ठीक है मिसाल समझ में आई जैसे एक आदमी नमाज जहर पढ़ रहा था वो तशुद आखिर के लिए बैठ गया और वो कब बैठ गया था तीन ही रकब बैठ गया था अब उसे याद आए कि ये तो तीन ही रकत है चौथी रकत एक रकत तो बाकी है ऐसी हालत में उसको चाहिए कि वो चौथी रकत के लिए उठ खड़ा हो और इस तरह नमाज मुकम्मल करे और तशहद आखिर पढ़े सलाम फेरे और उसके बाद सैज सफ़ करे नंबर तीन अगर नमाज में कोई वाजिब चीज़ भूल से छूट गई तो ऐसी सूरत में उस पर वाजिब नहीं है कि फिर से उसकी अदायगी के लिए लौटे और उसे अदा करे अगर कोई वाजिब चीज़ छूट गई अरकान छूट गई है तो तो उसको अदा करना ही है लेकिन फरमाते हैं अगर वाजिब भूल से छूट गई तो ऐसी सूरत में उसे उसकी अदायगी के लिए लौटे ये ज़रूरी नहीं है मिसाल के तौर पे एक शख़्स नमाज र अदा कर रहा था वो तीसरी रकात के लिए खड़ा हो गया तब उसे याद आया कि वो रकात के बाद के वो रकात के बाद उसने तशद अव्वल नहीं पढ़ी तो ऐसी सूरत में अब उसे लौट कर फिर से तशहद अवल नहीं पढ़नी है बल्कि अब उस पर सिर्फ इतना वाजिब है कि सलाम फेरने से पहले दो सैद सह कर ले यानी वाजिब छूट गया है तो वाजिब के लिए सिर्फ ए, सिर्फ सैद सह कर लेगा उसको लौटाने की ज़रूरत नहीं है उस वाजिब को जो है रिपीट करने की जरूरत नहीं है मुलाहजा अगर अगर मुकम्मल खड़ा होने से पहले उसे याद आ जाए अगर यह फरमा रहे हैं अगर अगर मुकम्मल खड़ा होने से पहले उसे याद आ जाए और मुमकिन हो कि वह लौट कर बैठ जाए तो फिर उसे तशद अख़ीर के लिए बैठ जाना चाहिए और नमाज मुकम्मल कर लेनी चाहिए और सलाम फेरने से पहले सैद करना वाजिब है फिर से सुने अगर मुकम्मल खड़ा होने से पहले उसे याद आ जाए अब मुमकिन हो कि वह लौट कर बैठ जाए तो फिर उसे तशद अख़ीर के लिए बैठ जाना चाहिए फिर से सुने एक अगर मुकम्मल खड़ा होने से पहले उसे याद आ जाए अब हाँ, मुमकिन हो कि वह लौट कर बैठ जाए तो फिर उसे तशुद अखीर लिख दिया है लेकिन यह तशुद अव्वल होना चाहिए ये जो है उसे तशद अव्वल के लिए बैठ जाना चाहिए और तशद अव्वल के लिए बैठ जाना चाहिए नमाज़ मुकम्मल कर लेनी चाहिए और सलाम फेरने से पहले सब करना वाजिब है यानी मिसाल के तौर पर तो शहद अव्वल के लिए नहीं बैठा और खड़ा हो गया लेकिन बैठना मुमकिन है बैठने से करीब था तो वह बैठ जाए उसके बाद जो है उसकी जो रकत बकी है बची है उसको मुकम्मल करे और आखिर में सदव कर ले उसके बाद नंबर चार अगर नमाज की रकात में शक में पड़ जाए तो उसे चाहिए कि पढ़ी हुई रकात में से कम अदद पर यकीन के साथ बना बिना करे यानी मसलन तीन रकात और दो रकात में शक हो गया तो कम जो रकात है दो रकात को मान ले और उसके हिसाब से नमाज को पूरी करे मिसाल के तौर पर एक शख़्स नमाज जहर पढ़ रहा था कि जब वो तीसरी रकात में था तो शक में पड़ गया कि ये तीसरी रकात है या चौथी रकात है ऐसी सूरत में कम आदत यानी तीसरी रकात पर बिना करे ये बिना करे मतलब उसको मान ले उसको मान ले कि तीन रकात हुई है और जब नमाज़ मुकम्मल करे तो तशहद आखिर पढ़ने के बाद दो सैद सहबक सैद शह करे फिर सलाम फेरे मुलाहजा जब आदमी इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ रहा हो और इत्तेफाक से इमाम कुछ भूल जाए तो मुख्ती को चाहिए कि सुबहानल्ला कहकर इमाम को याद दिलाए इमाम से गलती हो गई तो मुख्ती क्या बोलेंगे सुबहानल्लाबहान अल्लाह ज़ोर से बोलेंगे कि मुखत... इमाम सुने और इस तरीके से इमाम को समझ में आ जाएगा कि इमाम से मुझसे ग़लती हो गई है तो क्या बोलेंगे सुबह अल्लाह तो आज हम इतने ही पे आज का सबक मुकम्मल करते हैं इसके बाद जुमा की बहस आ रही है तो इनशल उसको हम अगले सबक़ में ले लेंगे इनशा अल्लाह ताला हम सबको सही समझने और अमल करने की तोफीक नसीब फ़रमाए आखिर उदादिल्लबिलमिन